हेलो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में हम समझेंगे कि हम फंक्शनल कंपोनेंट को कैसे एरो फंक्शन से की हेल्प से बना सकते हैं। तो फर्स्टली तो एरो फंक्शन होता क्या है? एरो फंक्शन मैंने पहले ही जब मैं ये सीरीज शुरू कर रहा था मैंने बताया था आपको ES6 ECMA स्क्रिप्ट 2015 आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो मैं कॉन्सेप्ट बताता चलूंगा। तो एरो फंक्शन ES6 का कॉन्सेप्ट है और मैं इसको यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसका डिस्क्राइब करूंगा और उसका यूज करके बताऊंगा, ठीक है। एरो फंक्शन जो होता है ये नॉर्मल फंक्शन ही होता है और ये यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, ठीक है। इसका कोई भी नेम नहीं होता है। इस फंक्शन को बना के हम एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, ठीक है। इसका सिंटैक्स आप देखिए, यहाँ पे जो फंक्शन था हमारा, देखिए ये फंक्शन है, तो ये जो फंक्शन है इसमें फंक्शन डेमो कंपोनेंट और ये रिटर्न कर रहा है यहाँ पे HTML। तो यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन है, इसमें पैरामीटर, यहाँ भी पैरामीटर हो सकते हैं, पैरामीटर 1 और 2, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ। मान लीजिए ये जो फंक्शन था ये हमारा इसमें डेमो कंपोनेंट में इस तरह से हमारा इस वेरिएबल में स्टोर हो गया है, ठीक है। और ये जो मेरा यहाँ पे रिटर्न है, मैं इसको, ये जो स्टेटमेंट, यहाँ पे कुछ भी स्टेटमेंट हो सकता है, यहाँ पे अगर मैं इसको यूज करूँ, इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे अगर इसको यूज करूँ इस तरह से, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए इस तरह से इसमें एरो फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक एरो बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल ये जो फंक्शन था यहाँ पे ये एक वेरिएबल बन गया है और इसका जो फंक्शन में पैरामीटर यहाँ पे पास हो सकते हैं, पैरामीटर 1 और 2 और इस तरह सोन यहाँ पे पास हो जाएंगे और बिल्कुल अंदर का जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर का जो है रिटर्न स्टेटमेंट वो सेम है, ठीक है। तो आपको सिंटेक्स समझ में आ गया है कि किस तरह से एरो फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो हम इससे अपना फंक्शनल कंपोनेंट बनाते हैं एरो फंक्शन से कि कैसे हम बना सकते हैं। ये तो था हमारा, चाहे तो हम इसे भी चेंज, इसे ही चेंज कर सकते हैं। इसमें जो हमारा फंक्शनल कंपोनेंट था, मैं इस कोड को कमेंट कर देता हूँ जिससे अच्छा आपको दिखेगा। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, वेर वेलकम, ओके। और उसके बाद मेरा इस तरह से मैं रखूंगा जो इस फंक्शन का इस तरह से बनता है, तो इसको मैं यहाँ पे रखूंगा। इसके बाद एक एरो बनाऊंगा, एरो बनाने के बाद एज इट इज सेम सेम रहेगा, रिटर्न कर रहा हूँ रिटर्न, और रिटर्न में क्या कर रहा हूँ मैं, देखिए यही मैंने रिटर्न पूरा कॉपी करके यहाँ पे रख दिया है, ये देखिए, ठीक। अब मैं इसको वेलकम एरो फंक्शन कर देता हूँ, एरो फंक्शन, ठीक है। ये देखिए इतना चेंज हुआ है एरो फंक्शन के लिए, हमारा फंक्शनल कंपोनेंट बनाने के लिए। तो अब हम इसको देखते हैं फ्रंट, तो देखिए यहाँ पे वेलकम एरो फंक्शन, वेलकम एरो फंक्शन मेरा यहाँ पे आ गया है, ये देखिए। तो इस तरह से हम फंक्शनल कंपोनेंट बना सकते हैं एरो फंक्शन से भी, ठीक है। ये शॉर्ट सिंटैक्स होता है, ये भी काफी इजी है, आप इसको बना सकते हैं। और इसका क्या यूज होता है, इस ये जो फंक्शनल कंपोनेंट होता है इसका अपना जो रेफरेंस होता है, एक रेफरेंस होता है जैसे कि दिस, लेकिन एरो फंक्शन के पास अपना रेफरेंस नहीं होता, पेरेंट का रेफरेंस ये रखता है, ये डिफरेंस इसके अंदर होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया है किस तरह से हम फंक्शनल कंपोनेंट बना सकते हैं एरो फंक्शन से, एरो फंक्शन की हेल्प से। तो अगर आप जो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए मोर आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।